हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र प्रकाश पाठक आप लोगों का एक बार फिर से मेरे आओ देखें एंड सीखें चैनल में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग्स क्या है? फैमिली प्लानिंग इज ए वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग व्हिच इज अडॉप्टेड वॉलंटरली अपॉन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन बाय इंडिविजुअल एंड कपल्स। हम कह सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग सोचने और रहने के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जो कि इट टेक द डिसीजन बाय इंडिविजुअल और आर कपल। इस डिसीजन को इंडिविजुअल एंड कपल्स दोनों ले सकते हैं। इस डिफिनेशन को WHO के द्वारा डिफाइन किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ एजुकेशन के द्वारा डिफाइन किया गया है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्पेसिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बर्थ। इसका यूज स्पेसिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बर्थ के लिए किया जाता है। स्पेसिंग मीन्स होता है एक डिलीवरी, यानी एक बच्चा हुआ उसके बीच में दूसरे बच्चे के बीच में, पहले से और दूसरे बच्चे के बीच में कितना टाइम देना चाहिए, कितना स्पेस देना चाहिए, यानी फर्स्ट डिलीवरी से सेकेंड डिलीवरी के बीच में कितना स्पेस देना चाहिए, उसे हम स्पेसिंग कहते हैं। लिमिटेशन ऑफ बर्थ मैंने अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, अनवांटेड बर्थ को प्रिवेंट करना, यानी द प्रिवेंशन ऑफ द अनवांटेड बर्थ, उसी को हम लिमिटेशन ऑफ बर्थ कहते हैं। तो ये कैसे प्रिवेंट किया जाता है? बाय डिफरेंट मेथड के। तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर ए प्रिवेंटिंग मेथड्स, या एक प्रिवेंटिंग मेथड्स की तरह ही होता है, जो कि हेल्प वोमेन टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो कि वोमेन में अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। ओके, जिसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है डिफरेंट टाइप का होता है। तो आइए देखते हैं। हम मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है, ग्राफ मेटिकली प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले आप इस चार्ट को देख लीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके इसको विस्तार से आप लोगों को बताऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो आइए देखते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, मॉडर्न, नेचुरल, ट्रेडिशनल। मॉडर्न क्या होता है? मॉडर्न होता है जो आज के आधुनिक दौर में यूज किया जाता है, उसे हम मॉडर्न मेथड कहते हैं। नेचुरल होता है जो प्राकृतिक होता है, जिसमें मतलब आर्टिफिशियली कोई भी चीज़ यूज ना किया जाता हो, नेचुरली होता हो, स्वतः होता हो। और ट्रेडिशनल्स क्या होता है? जो अपनी परंपरागतता चली आई है उसके अकॉर्डिंग पर रखा गया है इसे। तो मैं सबसे पहले मॉडर्न पहले को डिफाइन करूँगा, मॉडर्न क्या होता है। तो मॉडर्न को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेम्प्रोरी एंड परमानेंट। टेम्प्रोरी क्या होता है? जो शॉर्ट टाइम तक हो, कुछ ही समय के लिए हो, उसे हम टेम्प्रोरी कहेंगे। और परमानेंट क्या होता है? जो लॉन्ग टाइम तक हो, लंबे समय तक हो, उसे हम परमानेंट कहते हैं। ठीक है, टेम्प्रोरी को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, हारमोनल्स एंड नॉन हारमोनल्स। हारमोनल्स वो होते हैं जिनमें कोई केमिकल सस्टेंस होता हो, बॉडी में रिलीज होता हो, उसे हम हारमोनल्स कहते हैं। और नॉन हारमोनल्स वो होता है जिसमें कोई केमिकल सस्टेंस ना होता हो, कोई सस्टेंस हमारी बॉडी में किसी के थ्रू रिलीज ना होता हो, इसे नॉन हारमोनल्स में रखते हैं। हारमोनल्स में क्या होता है? ओरल पाइल्स। ओरल पाइल्स एक टेबलेट के ही जैसे होते हैं, जो कि 28 टेबलेट होते हैं एक स्ट्रिप में, जिसमें से 21 टेबलेट हारमोनल कंटेनिंग होता है और 7 टेबलेट आयरन कंटेनिंग होता है। इसको खाना खाने के बाद में यूज किया जाता है, जैसे कि मालाडी। तो इस टेबलेट जो होता है, यह टेबलेट हार्मोनल कंटेनिंग होता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि क्या करता है? सर्विकल म्यूकस में के फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। और सर्विकल म्यूकस के फॉर्मेशन जब बढ़ जाएगा तो स्पर्म यूटेरस में नहीं जा पाएगा और वहाँ पर ओवा के साथ में फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा और कोई प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। और इंजेक्टेबल मेथड क्या होता है? इंट्रावेनसली हमारे नस में या हमारे ब्लड के वेंस में इसे इंजेक्ट किया जाता है बाय ये डिवाइसेस, इंजेक्शन के द्वारा। ये भी हार्मोनल ही कंटेनिंग होता है, सेम एज ओरल पाइल्स की तरह काम करता है। इम्प्लांटेशन, ये भी हमारे बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है हमारी स्किन में, और ये क्या करता है? हार्मोन ही कंटेनिंग होता है, हार्मोन रिलीज करता है, और ये भी सर्विकल म्यूकस के फॉर्मेशंस को बढ़ा देता है, जो कि हमारे स्पर्म को ओवा के कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट करता है, जिससे कि कोई फर्टिलाइजेशन, कोई जायगोट का फॉर्मेशंस नहीं होता और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। ये सारे हार्मोनल कंटेनिंग होते हैं। तो नॉन हार्मोनल्स में आयोडीज, कॉन्डोम्स एंड डायाफ्रेगम्स। आयोडीज को मैंने डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है, डिफरेंट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन एंड आयोडीज, सेकेंड जनरेशन आयोडीज एंड थर्ड जनरेशन आयोडीन। जनरेशन मीन्स होता है कौन सा ब्रांड किस टाइम कितना यूज हुआ,
वो उसको उसी के जनरेशन में रख दिया गया। तो लिपी लूप्स फर्स्ट जनरेशन में, यानी बहुत पहले लिपी लूप्स का यूज किया जाता था, तो ये फर्स्ट जनरेशन में हुआ। ये नॉन हार्मोनल कंटेनिंग था, डबल एस शेप्ड स्ट्रक्चर था, या एक डिवाइस होता है जो कि हमारी जो कि हम इसको यूटेरस में फिट कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म और ओवा के फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। ये नॉन हार्मोनल होता है, ये केवल और केवल पॉलीमर्स से मिलकर बना होता है। सेकंड जनरेशन आयोडीज, सेकंड जनरेशन में कॉपर टी, कॉपर एल, नोवा टी एंड मल्टी लोडेड डिवाइसेस होती हैं, जो कि कॉपर के थ्रेड्स से बनी होती हैं, यानी कॉपर कंटेनिंग होती हैं, और ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं, टी शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि ये भी यूटेरस में फिट कर दी जाती हैं, और ये क्या करती हैं, स्पर्म और ओवा के फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती हैं। ये थर्ड जनरेशन आयोडीज जो होता है, ये आयोडीज प्रोगेस्टेजर्ड, ये प्रोगेस्टेजर जो डिवाइस होती है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कंटेनिंग होती है, जो कि टी शेप्ड होती है, और ये हार्मोन्स जो होता है वो सर्विकल म्यूकस के फॉर्मेशन को बढ़ाता तो है ही, साथ में टी शेप्ड का होता है, और ये यूटेरस में शिफ्ट हो जाता है, जो कि स्पर्म और ओवा के कॉन्टेक्ट को प्रिवेंट करता है, उसको एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देता है। ओके, तो आयोडीज तो हो गया, अब बात करते हैं सेकंड की, यानी कॉन्डोम्स। तो ये जो होता है, ये किससे बना होता है, लेटेक्स से मिलकर बना होता है, और इसके ऑयली सस्टेंस होता है, जो कि इंटरकोर्सेस के दौरान इजिली से पेनिट्रेट कर जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, इसलिए ये ऑयली सस्टेंस इसके ऊपर लगा होता है, चिकना होता है, और ये लेटेक्स से मिलकर बना होता है, ये फीमेल और मेल्स दोनों के लिए आता है, और ये इजिली हम इसे मतलब यूज कर सकते हैं, और ये कोई भी हानिकारक इफेक्ट नहीं देता है, जबकि ये उससे मतलब सेक्सुअल ट्रांजिशन से फैलने वाली डिजीज को भी ये प्रिवेंट करता है। डायाफ्रेगम्स क्या होता है, ये जो होता है, ये हम स्वतः तो इसे यूज नहीं कर पाते हैं, इसको कोई एक्सपर्ट नर्स या एक्सपर्ट पर्सन ही इसे यूज मतलब वेयरिंग करता है। अब आइए हम बात करते हैं परमानेंट मेथड की। परमानेंट मेथड्स में क्या होता है, मेल स्टेरिलाइजेशन एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन, इसी को हम वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, जब मेल स्टेरिलाइजेशन मीन्स वैसेक्टॉमी यानी स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, और टेस्टिस से और पेनिस के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम मोसा डिफरेंसिया कहते हैं, जिसमें स्पर्म का मूवमेंट होता है थ्रू द टेस्टिस टू पेनिस। देन उस ट्यूब को यानी वासा डिफरेंसिया को हम बीच से कट करते हैं और उसको एक थ्रेड के द्वारा बाइंड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो ड्यूरिंग द इंटरकोर्सेज के दौरान यूटेरस में रिलीज नहीं हो पाता, क्योंकि वो बीच से कट के बाइंड हो जाता है, जिसे हम वैसेक्टॉमी कहते हैं। ये मेनली मेल के लिए होता है। ट्यूबेक्टॉमी यानी फॉलिकल ट्यूब्स होती है फीमेल्स में, जो कि उसको एज ए सच एज वासा डिफरेंसिया की तरह इसको भी कट कर देते हैं बीच से, और उसको भी एक थ्रेड के द्वारा उसे बाइंड कर देते हैं, जिससे कि ड्यूरिंग द इंटरकोर्सेस के दौरान ओवा जो होता है वो स्पर्म के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाता है और कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ओके, इसमें क्या होता है, हाँ, और इस स्टेरिलाइजेशन को करने के लिए एक फॉर्म आता है, जो कि H1198 इस फॉर्म को फिल किया जाता है, उसके बाद इस प्रोसेस को हम किसी भी सरकारी डॉक्टर या सरकारी हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, और ये तो ज़्यादातर यूज ही किया जाता है। नेचुरली क्या होता है, नेचुरली में क्या होता है, कैलेंडर मेथड, बीबीटी का फुल नेम होता है वेसल बॉडी टेम्परेचर एंड सर्विकल म्यूकस एंड लैम्प्स। नेचुरल में क्या होता है, कैलेंडर मेथड, हम लोग जानते हैं कि कौन सा डेट किस डेट में कब क्या होता है, तो उस टाइम को हम डिनोट करते हैं कैलेंडर में। जनरली ओवा का फॉर्मेशन 1 to 14 डेज में मेच्योर हो जाता है, यानी ओवा बन भी जाता है और मेच्योर भी हो जाता है, और वो ओवा स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन करने के लिए पूर्णतया तैयार हो जाता है और वो स्पर्म को वांट करता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखते हैं, कैलेंडर मेथड जनरली ये मैचुअल साइकिल के लिए ही यूज होता है। ओके, तो ड्यूरिंग द मैचुअल साइकिल्स के दौरान हम इंटरकोर्सेस या कोई भी संभोग वगैरह नहीं करेंगे। बीबीटी क्या होता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर, हम जानते हैं कि हमारी स्पर्म का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के टेम्परेचर से -2 होता है, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली
35 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगर हम बेसल बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो स्पर्म का फॉर्मेशंस रुक जाता है या स्पर्म स्टेराइल हो जाता है। ओके, सर्विकल म्यूकस, मैंने अभी हार्मोनल्स बताते समय मैंने सर्विकल म्यूकस की बात की है। तो सर्विकल म्यूकस क्या होता है, जब सर्विकल म्यूकस का फॉर्मेशन नेचुरली होता है, यहाँ पर कोई भी केमिकल सस्टेन स्टिमुलेट नहीं करता है, तो जब सर्विकल म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये क्या करता है, स्पर्म को यूटेरस में इंटर करने से यानी ओवा के साथ के कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट कर देता है। इसका यही एक काम है। ओके, तो ये नेचुरल मेथड होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ज़्यादातर पूछा जाता है। अब आइए हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड का क्या होता है। ट्रेडिशनल मेथड में होता है एब्स्टिनेंस एंड विड्रॉल। एब्स्टिनेंस मींस होता है, सबसे पहले तो हम ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, ट्रेडिशनल जो परंपरागति चली आई है अपने सोच के आधार पर जो किया जाता है। एब्स्टिनेंस मीन किसी भी संभोग को, इंटरकोर्स को, सेक्स को हम अवॉइड करें, उसे ना करें, तो उसे हम एब्स्टिनेंस कहते हैं। या सेक्सुअल ऑर्गन्स को, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन को मेल सेक्सुअल ऑर्गन के कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट करें। ओके, फिजिकल लव करें बट इंटरकोर्सेज ना करें। विड्रॉल्स, विड्रॉल्स क्या होता है, इसका मतलब होता है परित्याग करना। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है परित्याग, और विड्रॉल का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द इंटरकोर्सेज आवर स्पर्म इज नॉट रिलीज इन द यूटेरस, मतलब इंटरकोर्सेज के दौरान अपने स्पर्म को हम यूटेरस में रिलीज ना करके उसे हम बाहर रिलीज करें, तो इसे होता है विड्रॉल, उसमें विड्रॉल ना करें, तो इससे भी प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।